था मुद्दा, क्या माजरा क्या था, मुझे मालूम है ये दो जुज लाइला क्या था। ये सारी काविशें थी दीन की ईमान की खातिर, हजारों कुलफतें थी एक पाकिस्तान की खातिर। ये मकसद था यहाँ इस्लाम का फरमान हो जारी, मुकम्मल तौर पर इस मुल्क में कुरान हो जारी। तो ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ आप जैसे बेटे और बेटियां मौजूद हो, जहाँ जज्बे जवान हो, जहाँ चांद मेरी जमीन और फूल मेरा वतन के लफ्ज सुनने के बाद यहाँ बैठे बुजुर्ग, यहाँ बैठे जवान तालियों से हॉल को हिला दें, जहाँ बैठी मासूम सी बच्ची की एक तकरीर हमारी आंखों में आंसू ले आए, हम कैसे कहते कि पाकिस्तान सरसब्जो शादाब नहीं है। ये बरगोबार आपसे है, ये हुस्न आपसे है, ये वतन की सरसब्जो शादाबी आपसे है। मैं सोच रही थी कि अपने हिस्से का कोई दरख्त लगाऊंगी, मुझे लगता है ये सारे दरख्त यहाँ मौजूद हैं, ये बाहर निकल के भी दरख्त लगाएंगे, ये पाकिस्तान को सरसब्जो शादाब बनाएंगे, ये मेरा आने वाला कल है। ऐसा नहीं हो सकता, ये देश महकते हुए फूलों का नगर है, हर जर्रा मेरे देश का खुर्शीद व कमर है, हर गोशा यहाँ मेरी चाहत का समर है, इस देश की हर चीज मुझे लाल व गोहर है, ये देश कड़ी धूप में छाओ का शजर है, ये देश महकते हुए फूलों का नगर है। आज अपने हिस्से का चराग रोशन करना है। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चैम्बर की कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, पर्टिकुलरली जाहिद साहब, क्योंकि उन्होंने बड़े परसुएसिव तरीके से काफ़ी दफ़ा कांटेक्ट भी किया, बहुत शुक्रिया। और यहाँ आके मुझे खुशी इसलिए भी हो रही है कि माशाल्लाह जिस तरह के लोग बच्चे आपने पाकिस्तान का मुस्तकबिल यहाँ पर इकट्ठा किया है, इसको अगर हम बहुत इस सब पेसिमिस्टिक हैं, ना उम्मीदी के आलम में हैं, पता नहीं हम अपने मुल्क के लिए क्या क्या नेगेटिव चीज़ें कह रहे होते हैं, लेकिन इनको देखें और हमारे अंदर कितनी ये पॉजिटिविटी भर देते हैं। सो माशाल्लाह आई विश टू कॉन्ग्रेचुलेट जितने भी हेड्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं यहाँ पे SOS विलेज, और ये अभी जो स्कूल था जिनके बच्चों ने परफॉर्मेंस की, हमारे आई ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग, जब भी हमारी कोई भी बच्ची, आपने देखा सियालकोट वीमेन जेसी वीमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट की तीन रिप्रेजेंटेशन हुई, एंड व्हेन एवर आई सिट एंड लिसन टू देम आई ऑलवेज वंडर कि इतना माशाल्लाह छोटा सा शहर है लेकिन माशाल्लाह हमारी इनहेरिटेंस में है। हमारी मैं इसलिए कह रही हूँ कि आई ऑल्सो बिलोंग टू सियालकोट, हमारी ये जीन्स में है कि टैलेंट है हम में, लेकिन हमने उसे पॉलिश करना है, आगे लेके जाना है, और चैम्बर की बिल्डिंग से कहीं बाहर लेके जाना है, नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे इंशाल्लाह। अभी हमारी यूनिवर्सिटी, क्योंकि सबसे पहले यूनिवर्सिटी मतलब वीमेन यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी सियालकोट के अंदर और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के अंदर, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं बहसीत इंस्टीट्यूशन, जो आप लोगों की परफॉर्मेंस देखी आज़ादी के हवाले से बात करूंगी, क्या आप समझते हैं कि हम लोग आज़ाद हैं? कुछ लोग कहेंगे हम आज़ाद हैं, कुछ कहेंगे हम आज़ाद नहीं हैं। जो कहेंगे आज़ाद तो पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद हुआ और उसकी कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए, जहाँ पे खून था, लाशें थी, जिस्मों पे टुकड़े थे, जहाँ पे बिखरी हुई माएँ थी, बच्चे थे, जहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग थे, जहाँ पे ट्रेनों की ट्रेनें चली आ रही हैं और जिस्म कट कट के बाहर गिर रहे हैं, वो लोग कहेंगे कि पाकिस्तान आज़ाद है। जब इस ज़मीन पर उन्होंने अपना सजदा किया तो सबसे पहले उनके दिल में यह ख्याल आया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पाक वतन की मिट्टी को चूमा और यहाँ पर सर बस्जूद हुए।
उस वक्त उनको अपने पिछले हुए प्यारे याद नहीं आए, वो कहेंगे Freedom is never granted, it is always demanded. No leader can make Pakistan better unless and until we individually make ourselves better. Freedom plays a vital role in every person's life. Unity, faith and discipline are the basic motives that can be used and played in our country. Pakistan needs youth and its people to join together and help the country improve internationally. Pakistan Zindabad. Thank you. Assalamu alaikum everyone. My name is Zara Beg and I wish you all a very, very happy Independence Day. As independence itself is a great blessing of Allah Almighty, as an individual, Qaeda Muhammad Ali Jinnah founded Pakistan on 27th of Ramadan in Mumbai. At the end of my speech, I'd like to say each individual can found a huge difference. Thank you, everyone. लेकिन वो जानता ना था कि सलारे का अरमा है मेरे हजार अपना सरे भाव।